नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें की गई प्रक्रिया के बारे में, मतलब जो भी जादू टोने के तरीके का इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके के बारे में आप सब में से कई सारे लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ये जो क्रिया है उसे निशी डाक कह के बुलाया करते हैं। इस काले जादू की क्रिया का प्रयोग लोग तब किया करते हैं जब उन्हें आपके किसी जानने वाले के आवाज़ में या फिर शक्ल में आपको अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल लोग कई बार अलग अलग मंसूबों को पूरा करने के लिए किया करते हैं। आज की ये कहानी लगभग 60 से 70 साल पुरानी है और ये कहानी है कलकत्ता के पास के एक गांव की। उस गांव में उस वक्त तो काला जादू बिल्कुल लगभग खत्म सा हो चुका था, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि उस गांव में कुछ समय पहले तक काले जादू का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। वहां हर कोई काले जादू का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जाना करता था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ ये चीज़ें लुप्त सी होती चली गई, या फिर लोगों ने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सही ना समझकर छोड़ना शुरू कर दिया था। वहाँ उस गांव में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में पहले तो लोग मिलजुल कर, मतलब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, लेकिन बुज़ुर्गों के गुजर जाने के बाद उस परिवार के लोगों ने भी बंटवारा करके अलग अलग रहना ही सही समझा। और उस परिवार में तीन भाई थे और तीनों भाइयों की शादी अच्छे घराने की लड़कियां देखकर करवा दी गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही सास ससुर का देहांत होने के वजह से तीनों भाइयों ने आपस में मिलजुल कर ये तय किया कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका बराबर बंटवारा करके तीनों अलग अलग अपना अब छोटा संसार बसाएंगे। और ऐसा ही किया तीनों भाइयों ने। तीनों भाइयों ने हिसाब से सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा आपस में करके बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी मनमुटाव के अलग रहकर कभी कभी आपस में मिलजुल कर खुशियाँ बांटना ज़्यादा सही समझा। धीरे धीरे समय बीतने के साथ दो भाइयों के घर में बच्चों की खुशी आ चुकी थी, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई था उसके घर में आज तक शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी बच्चे की खुशी नसीब नहीं हुई थी। और इस खुशी के लिए उन लोगों ने इधर उधर जहां भी हाथ पैर मार सकते थे, मतलब इलाज के हिसाब से, वो हर जगह गए। यहां तक कि भगवान का भी दरवाज़ा वो खटखटा चुके थे और हर जगह से अभी तक उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी थी। इधर दोनों छोटे भाई जिनके बच्चे हो चुके थे, वो अब अपनी घर गृहस्थी में इतना ज़्यादा उलझ चुके थे कि वो बड़े भाई के यहाँ जाना, हाल चाल पूछना, मिलना जुलना उतना मुनासिब अब नहीं समझते थे। इसमें थोड़ा बहुत हाथ उन दोनों की पत्नियों का भी था, क्योंकि उनके बच्चे थे और सबसे बड़ी वाली भाभी के बच्चे नहीं थे। ऐसे घर में ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को ले जाना ले आना सही नहीं समझते। यही बात दोनों छोटों भाइयों के मन में डाल दी गई थी, जिसके वजह से अब वो दोनों धीरे धीरे अपने बड़े भाई और भाभी से लगभग पूरी तरह से कट चुके थे। समय ऐसे ही बीतता रहा और दोनों भाइयों के बच्चे समय के साथ बड़े होते चले गए। कुछ समय बाद सबसे छोटे भाई ने अपने दोनों बच्चों को शहर में, वहाँ कलकत्ता, पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया, जिसके वजह से अब बच्चों से मिलने वो कभी कभार
कलकत्ता आया जाया करते थे। मझले भाई ने अपने बच्चों की पढ़ाई वहीं पास के ही गांव के स्कूल से करवाई थी। अब दोनों के बच्चे इतने बड़े हो चुके थे कि उनकी शादी का वक्त आ चुका था। मझले भाई ने अपने दोनों बच्चों की शादी एक साथ एक ही मंडप में करवा दी थी, क्योंकि उन्हें रिश्ते काफ़ी अच्छे एक ही घराने के मिल चुके थे। अब बारी थी छोटे भाई के बच्चों की शादी की। वहाँ शहर में रह रहा उनका बेटा एक लड़की को पसंद करने लगा था और उसने अपने माता पिता से उसके बारे में बात की। माता पिता ने भी इस चीज़ को लेकर कोई एतराज़ नहीं जताया, क्योंकि वो लड़की काफ़ी अच्छी गुनी और बिल्कुल वैसी लड़की थी जैसी लड़की उन्हें अपने बेटे के लिए चाहिए थी, और बेटे की शादी वहीं कलकत्ता में करवा दी गई। अब सिर्फ छोटे भाई की बेटी उनकी शादी करना बचा हुआ था। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने खुद ही अपने माता पिता से ये बात कही कि उसे अभी कोई जॉब नहीं करना है। जब तक उसके रिश्ते की बात चल रही है, तब तक वो अपने माता पिता के साथ वहाँ घर पर रहकर कुछ समय उनके साथ बिताना चाहती है। माता पिता को इस चीज़ से काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने अपनी बेटी को घर पर बुला लिया। बेटा और बहू दोनों शहर में काम किया करते थे, इसलिए उनको घर आने का काफ़ी समय से वक्त नहीं मिला था। उनका हर बार प्रोग्राम बनता और किसी न किसी वजह से ये प्रोग्राम टल जाया करता था। कुछ महीने बाद अचानक कलकत्ता में उन्हें खबर मिली कि उनके चाचू मझले वाले उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये खबर सुनने के बाद अब घर जाना तो काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए बेटे और बहू ने घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। वो दोनों छुट्टी लेकर घर पर आ चुके थे। उनके घर पर आते ही माँ काफ़ी इस चीज़ से गुस्सा होने लगी और उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें आने के लिए नहीं बोला, तुम क्या सोचकर घर आ गए? तुम्हें पता भी है यहाँ पर क्या चल रहा है? ये बात सुनते ही बेटे ने तुरंत अपनी माँ से सवाल दाग दिया कि क्या बात है माँ, हम इतने दिन से शादी के बाद आने का सोच रहे थे और हम आ नहीं पाए। अभी चाचू के साथ ऐसा हुआ है, हम ऐसे में आए हैं ताकि हम आपके साथ रह सकें, आपको सपोर्ट कर सकें। आपको तो खुश होना चाहिए, उल्टा आप हम दोनों को डांट रहे हो कि हम क्यों आ गए। ये बात सुनते ही पिता ने तुरंत माता की तरफ देखकर इशारे से चुप रहने को कहा और माँ भी ये इशारा समझकर फिर चुप हो गई। उन्होंने उस वक्त कुछ भी कहना बताना बिल्कुल सही नहीं समझा, क्योंकि सच में नई बहू ने पहली बार घर में अपने पैर रखे थे। फिर उन्होंने जो भी वैसे माहौल में अपने रिचुअल्स करने थे, वो सारे रिचुअल्स करके अपनी बहू को घर में बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। फिर घर की तीनों औरतें एक जगह बैठकर आपस में बातें करने लगीं और पिता ने भी अपने बेटे से कई सारे बातें की जो उन्हें इतने दिनों से अपने बेटे से करनी थी। फिर शाम हो चुकी थी, अब चाचा जी के घर पर जाना था। चाचा जी के घर पर भी वो घर की बहू को लेकर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बहू के ज़िद करने की वजह से उसे भी साथ लेकर जाना पड़ा। और अब सारे लोग उस चाचा जी के घर पर पहुंच चुके थे। सब ने एक दूसरे को देखकर जिस तरीके से दुख व्यक्त करना था वो चीज़ें चल रही थी। तभी बहू के ध्यान में एक बात आई। जो लोग पीछे शोक में शामिल होने के लिए आए हुए थे, वो लोग आपस में किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहे थे और उनकी बहस का मुद्दा था निशी डाक। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये काम निशी डाक से ही किया गया है और कुछ लोगों का कहना ये था ये सारी चीज़ें अब नहीं होती हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सारी बातें सुनने के लिए बहू उनके थोड़ा नज़दीक आ गई थी,
क्योंकि उसके लिए ये सारी बातें बिल्कुल नई थी। बहू उन लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। वो निशी डाक के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे एक समय में निशी डाक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि आप किसी भी मरते हुए इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगी दे सकें। ऐसे वक्त पर की जाने वाली निशी डाक में आपको एक गिने हुए संख्या में लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है, और ये बलि पूरी हो जाने पर जो भी इंसान मौत से लड़ रही किसी बीमारी से ग्रसित हो, उस बीमारी का अपने आप ही बिना डॉक्टरी इलाज के अंत हो जाता है। और उस वक्त पर कैंसर जैसी बीमारियां इनके लिए कोई इलाज नहीं हुआ करता था। ये बीमारी होना मतलब आपकी मौत हर हाल में निश्चित ही है, या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ हो और हालत इतनी बिगड़ चुकी हो कि अब आपकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे में या इस प्रकार के किसी भी तरह के मुसीबत में निशी डाक का इस्तेमाल करके बलियों को देकर उस इंसान की मौत को टाला जा सकता है। ये सारी बातें बहू कान लगाकर सुन ही रही थी कि तब तक अचानक उसकी सांस का ध्यान उसके तरफ गया कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। जब उन्होंने इस तरीके से अपनी बहू को गांव के लोगों के बीच हो रही बातों को ऐसे सुनते हुए देखा, उन्होंने तुरंत अपनी बहू को अपने पास बुला लिया, और पास बुलाने के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा ये सब फालतू की बातें हैं, इन बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। लेकिन अब बहू के मन में काफ़ी सारे सवाल एक साथ उमड़ पड़े थे। उसे ये बात जानना था कि क्या ये बातें जो हो रही थी ये सच हैं, अगर सच हैं तो ऐसा आज के ज़माने में कैसे हो सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद बहू ने वहाँ पर कुछ भी कहना सही नहीं समझा, और कुछ घंटे बाद जब वो घर पर वापस आए तो बहू ने मौका देखकर अपनी ननद से ये सारी बातें कह सुनाई और उससे इस बारे में जानने की कोशिश करने लगी। क्योंकि उसकी ननद वहीं की रहने वाली थी, उसने भी जादू टोने के बारे में काफ़ी कुछ पहले भी सुन रखा था। उसने अपनी भाभी को इन सारी बातों के बारे में और जानकारी देना शुरू किया जितना कि उसको पता था। उन दोनों के बीच में इस बारे में बात चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर सास आ गई। उनके आते ही उन्होंने तुरंत अपनी बहू को समझाना शुरू किया और ये बात कही कि बेटा इसी वजह से मैं गुस्सा हो रही थी, तुम लोग को यहाँ पर अभी बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। पता नहीं ये निशी डाक वाली कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो हो सकता है कि अभी इस गांव में से 7 और लोगों की बलि दी जाएगी, और वो 7 लोग किसी भी घर से कोई भी इंसान हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वापस चले जाओ। वैसे भी हम सबका मिलना जुलना हो चुका है, वैसे भी ऐसे माहौल में मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर और एक दिन भी रुको। ये बात सुनकर बहू मुस्कुराने लगी और उसने कहा, माँ आप भी क्या बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में होती हैं क्या? मुझे तो ये बातें इंटरेस्टिंग लग रही हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं नहीं मानती ऐसी चीज़ों को, और मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, वो भी इतनी लंबी छुट्टी डालकर। मैं इतनी जल्दी तो यहाँ से जाने से रही, और जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे। वैसे भी आप लोग भी तो यहीं रह रहे हो ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम कहीं नहीं जाने वाले। सासू माँ अब अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि उनके किसी भी बात को समझाने पर कोई असर बहू पर तो नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने ये एक कोशिश अपने बेटे के साथ की। बेटे ने भी सेम बहू वाला रिएक्शन देकर माँ के बात को टाल दिया, और फिर अब जबकि दोनों के समझाने का कोई असर उनके बहू और बेटे पर नहीं हो रहा था, माँ ने अपनी कसम देते हुए कहा,
चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें अगर कोई भी अपना जानने वाला घर के बाहर रात के वक्त बुलाए तो तुम हम में से किसी को भी बिना बताए घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगे। ये बात सुनकर बेटे ने माँ की तसल्ली के लिए उनकी कसम खाकर ये बात मान ली और यही सेम चीज उन्होंने अपने बहू के साथ भी की। सब लोग अब अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे और रात के करीब 1:30 बजे अचानक बेटे को ऐसे लगा जैसे उसकी पत्नी उसे आवाज़ देकर घर के बाहर बुला रही है। पहले के वक्त में वॉशरूम घर के बाहर ही हुआ करता था, वो आपके आंगन में ही होगा, लेकिन कमरों से काफ़ी हटकर वॉशरूम बनाया जाता था। वहाँ उस घर की बनावट भी बिल्कुल वैसी ही थी, घर के सारे कमरे सारी चीज़ें एक तरफ और आंगन जो कि बहुत बड़ा घिरा हुआ एक एरिया था उसमें कॉर्नर पे दूर वहाँ वॉशरूम बनाया हुआ था। अचानक जब बेटे की आंख खुली तो उसने देखा बगल में उसकी पत्नी नहीं लेटी हुई है और उसे अपनी पत्नी की आवाज़ लगातार घर के बाहर से आ रही थी। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी और उसे ये समझ में नहीं आया कि उसकी पत्नी घर के बाहर रात के इस वक्त क्या कर रही है। उसके दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि उसे एक बार तो वॉशरूम में चेक करना चाहिए था। वो सीधा अपनी पत्नी की आवाज़ के पीछे पीछे घर के दरवाजे के बाहर तक पहुंच चुका था। तभी अचानक पत्नी ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और उसने देखा उसका पति घर के बाहर के दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक पत्नी ने अपने पति को अब पीछे से आवाज़ दी। जैसे ही पत्नी ने अपने पति को पीछे से आवाज़ दी, जो आवाज़ सामने की तरफ से आ रही थी वो आवाज़ अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और पति के ऊपर जो सम्मोहन सा बन चुका था वो भी अचानक टूट गया। वो होश में ऐसे आया जैसे वो नींद से जागा हो और उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि वो घर के दरवाजे के बाहर है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी और उसकी पत्नी आवाज़ देते हुए उस तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने पति से ये पूछा भी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। पति ने बताया, मैंने जब उठकर देखा तो तुम बिस्तर पर नहीं थी और मुझे लगा जैसे कोई मुझे घर के बाहर से बुला रहा है। मुझे लगा वो तुम ही हो, तुम्हारी ही आवाज़ थी और मुझे तुम दिखाई भी दी। मैं तुम्हारे ही पीछे पीछे निकल रहा था, लेकिन तब तक अचानक मुझे समझ में नहीं आया मैं यहाँ तक कैसे आ गया। इस पर पत्नी ने कहा, ज़रूर निशु डाक आई होगी आपको बुलाने के लिए। और दोनों ने एक दूसरे की शक्ल के तरफ देखा और मुस्कुरा कर घर के अंदर आ गए। पत्नी ने बताया कि वो वॉशरूम आई थी। इस बात को उस वक्त तो उन दोनों ने आई गई कर दिया, दोनों ने इस बात को मजाक में लिया। लेकिन 2 दिन बाद उस गांव के एक और आदमी की लाश ऐसे ही मिली। उसकी मौत कैसे हुई थी ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी और उस आदमी की लाश को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे अगर मरने से पहले उसकी उम्र 30 साल की थी तो मरने के बाद उसकी उम्र अचानक से 90-80 साल की हो चुकी थी। ये बातें देखकर धीरे धीरे लोगों के बीच में निशी डाक का डर अब बढ़ता जा रहा था। लोगों ने गांव में कुछ प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया। लोगों ने आपस में राय विचार करके गांव में पहरेदारी के लिए लोगों को बिठाना शुरू किया। लोग शिफ्ट वाइज गांव में पहरेदारी किया करते थे, लेकिन उनकी इतनी कड़ी पहरेदारी होते हुए भी गांव में से धीरे धीरे अब लगभग 4 लोगों की बलि पूरी हो चुकी थी और 7 बलि देनी थी जिसमें से अब सिर्फ और सिर्फ
तीन लोग ही बचे हुए थे। अभी तक बेटा और बहू दोनों इसी गांव में थे। धीरे धीरे इतनी सारी मौतें एक के बाद एक ऐसे देखने के बाद उनका भी विश्वास अब इन चीज़ों पर बनने लगा। बहू ने इन चीज़ों को जानने और रोकने की कोशिश करने के लिए ये जानने की कोशिश करना शुरू किया कि अगर सच में ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसे रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय भी होगा। ये बातें जानने के बाद उसने इस बारे में अपनी सास से बात की। सास ने बताया, यहाँ गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। लोगों ने उनसे भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि इस निशी डाक के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। फिर ये बात सुनकर अब बहू ने जिद पकड़ ली कि उन बाबा के पास एक बार आप मुझे लेकर चलिए, मुझे उनसे बात करने दीजिए। और सास और बहू दोनों अगले दिन उन तांत्रिक बाबा के पास पहुंच चुके थे। जब वो वहां पर पहुंचे तो बहू ने भी बाबा जी से वही सवाल किया और बाबा जी ने कहा, वो पहले भी बता चुके हैं, वो इस बारे में किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये निशी डाक अब जो भी कर रहा है वो काफ़ी शक्तिशाली काले जादू का जानकार है, जिसको रोकना बहुत मुश्किल है। इस पर बहू ने कहा, बाबा जी आप जो कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हम सबकी मदद कर दीजिए, अभी भी तीन बलि बाकी है, और जो भी है अगर ये तीन बलि पूरी नहीं होगी तो वो इंसान अपने आप हमारे सामने आ जाएगा और हम इन चीज़ों से हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव वालों को बचा सकते हैं। बहू की बहुत सारी बातें सुनने के बाद अब बाबा ने ये कहा, हाँ एक रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते को करने के लिए तुम्हें पहल करनी पड़ेगी और इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है। इस पर बहू ने कहा, बाबा कोई बात नहीं, मैं यहाँ सबकी मदद करने के लिए ये खतरा लेने को भी तैयार हूँ, आप बस मुझे बताइए हम इन लोगों को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए बाबा जी ने कहा, बेटा सबसे पहले तो मैं तुझे एक भभूत देता हूँ, वो भभूत तू इस गांव के सारे घर के दरवाज़ों के आगे एक लकीर बना दे, और जब तू ये लकीर बनाएगी तो तुझे ये काम रात में ही करना है, रात में तुझे कोई भी उस वक्त देखे नहीं, और उस वक्त तुझे अपनी रक्षा चाहे जैसे भी लेकिन खुद करनी है, क्योंकि अगर तू घर के बाहर होगी तो तू उस निशी डाक का शिकार बहुत आसानी से हो सकती है। इस पर बहू ने कहा, बाबा आप जो जैसे बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे भभूत दे दीजिए, उस निशी डाक से कैसे बचना है ये मैं खुद देख लूँगी। ये बात सुनकर सास ने अपनी बहू को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहू काफ़ी बहादुर और ज़िद्दी थी, इस वजह से उसने अपनी सास को भी मना लिया। अब वो बाबा से भभूत लेकर घर पर आ चुकी थी। उसे आज रात ही ये काम करना था, क्योंकि एक रात भी बीतना मतलब किसी न किसी के जान पर खतरा बढ़ जाना, ये वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। रात को घर में सबके सोने के बाद वो चुपचाप घर से बाहर निकलकर, गांव में लगभग सारे लोग जल्दी सो जाते हैं इसलिए वो सबके दरवाजे पर जाकर वो भभूत लेकर एक रेखा खींचने लगी, जैसा कि बाबा जी ने बताया था। गांव के लगभग सारे घर हो चुके थे, सिर्फ 5 या 6 घर आखिर के बाकी रह गए होंगे। तभी अचानक बहू को ऐसा लगा जैसे उसका पति कहीं दूर से उसे आवाज़ दे रहा है और उसे अपने तरफ आने को कह रहा है। ये बात उसको जैसे ही समझ में आई, उसने इस चीज़ पर ध्यान ना देते हुए तुरंत फटाफट बाकी के 3 घरों पर भी वो रेखाएं खींच दी। अब आखिर के 2 घर बचे हुए थे, उन दोनों घरों पर पहुंचने से पहले वो पति की आवाज़ अब एक दर्द भरे चीख में और कराहने की आवाज़ में बदल चुकी थी। वो
ना चाहते हुए भी उस आवाज की तरफ खुद को खिंचता हुआ महसूस कर रही थी। वो जैसे ही उस आवाज की तरफ बढ़ने को हुई, तब तक अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ उसने महसूस किया और उसका वो सम्मोहन अब टूट चुका था। उसने जब पलट कर देखा तो पीछे उसकी सास खड़ी थी, क्योंकि बाबा के पास वो दोनों एक साथ गए थे, इसलिए सास को ये बात अच्छे से पता थी कि उसकी बहू क्या करने गई है और इन चीज़ों से क्या हो सकता है। सास इसी वजह से अपने बहू के पीछे पीछे ही थी। वो जब गांव में सारे घरों के आगे वो रेखा बना रही थी। अब आखिर के दो घर बचे हुए थे, जिस पर फटाफट बहू ने वो रेखाएं बनाई और वो अपने घर पर आ चुकी थी। घर पर आने के बाद वो शांति से सो गई, लेकिन अगली सुबह एक और इंसान की मौत वैसे ही हो चुकी थी। अब आखिरी की सिर्फ दो ही बलियां बाकी रह चुकी थी। वो बाबा के पास भागते हुए पहुंच गई और जब वो बाबा के पास पहुंची, तो बाबा ने कहा, बेटा तुमने तुम्हारा काम तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन इस निशी डाक को रोकना, जैसा कि मैंने तुमको बताया था, काफ़ी मुश्किल है। इस वजह से तुमने जो रेखाएं बनाई, वो रेखाएं घर पर बची ही नहीं, तुम्हारे रेखाएं बनाने के बाद ही किसी ने उन रेखाओं को तुम्हारे पीछे से हटा दिया, जिसके वजह से अब किसी भी घर वालों की सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। इस पर बहू ने वापस से बाबा जी से जिद करना शुरू किया। उसने कहा, बाबा जी आप तो इतने ज्ञानी हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं कर सकते, आप कुछ तो कीजिए। इस पर बाबा जी ने कहा, जो ये निशी डाक की प्रक्रिया कर रहा है, अगर हम पहचान सकें कि वो कौन है, तो मैं इस निशी डाक को रोक सकता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तो उसे रोकना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास इतनी सिद्धियां नहीं हैं जितनी सिद्धियां उस इंसान के पास है। इस पर बहू ने कहा, तो बाबा जी बताइए, उस इंसान को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम उस इंसान को पहचान सकें। इस पर बाबा जी ने कहा, ये काम तो पिछले काम से भी ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए तुम्हें मेरे दिए हुए ये अभिमंत्रित नींबू हर किसी के घर में उसके बिस्तर पर जाकर रखने होंगे, जो कि करना वो भी हर घर में नामुमकिन है। इस पर उसने कहा, हाँ बाबा जी ये सच में बहुत मुश्किल है, मैं हर किसी के घर में तो जा भी सकती हूँ, मैं हर किसी के बेडरूम में कैसे जाऊंगी, इसलिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। फिर बाबा जी ने कहा, नहीं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि निशी डाक करके जिसे भी वो शक्ति अपने तरफ बुला रही हो, तुम्हें उसका पीछा करके किसी भी तरह से उस आदमी की शक्ल को देखना पड़ेगा, तभी हम आखिरी की दो मौतें रोक पाएंगे। बहू ये करने के लिए भी तैयार हो चुकी थी और उसने अपनी पूरी कमर कस ली थी। वो हर रात अब जागकर पहरेदारी करने वाले लोगों के साथ गांव में चक्कर लगाया करती थी। गांव के लोगों ने भी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसने गांव वालों से भी ज़्यादा सतर्क रहकर हर घर की पहरेदारी अलग से करना शुरू कर दिया। उसकी इतनी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाने वाली थी। अचानक एक दिन रात में उसकी नज़र पड़ी कि उसके चाचा की बेटी घर से निकलकर कहीं दूर जंगल की तरफ बढ़ रही है। वो उसे आवाज़ें देते हुए उसके पीछे भागते हुए जा रही थी, लेकिन उसके आवाज़ देने का कोई असर उस पर नहीं हो रहा था। वो जंगल की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी कि बहू के इतना दौड़ भाग करके पीछा करने के बाद भी वो देखते ही देखते उसके नज़रों से गायब हो चुकी थी और वो
लोगों को बुलाकर जंगल में इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी उसका नामो निशान उस रात तो नहीं मिला। और अगली सुबह उसकी बॉडी वहीं गांव में पड़ी हुई जैसे बाकी लोगों की बॉडी मिली थी, उसकी बॉडी भी वहीं पर थी। उसकी मौत हो चुकी थी। बहू को इस बात का ज़रूरत से ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि इतने कम दिनों में ही उन दोनों के बीच में भी काफ़ी अच्छी बातचीत और दोस्ती हो चुकी थी। अब तो उसके मन का संकल्प और ज़्यादा दृढ़ हो चुका था कि हर हाल में उसे ये आखिरी बलि होने से रोकना ही है। इस वजह से उसने अब अपने पति से भी इस मामले में मदद मांगी और कहा, आप मेरे साथ रहिए, अगर मैं किसी तरह से तेज़ दौड़कर ना आगे जा सकूं तो आप मेरे साथ चलिए, और हम जब वहां पर जाएंगे तो हम अपने कानों में कॉटन लगाकर जाएंगे, जिससे हमें कोई निशी डाक से बुला नहीं पाएगा। बहू की बात को मानकर पति पत्नी दोनों अब इस पहरेदारी में और ज़्यादा गांव वालों के साथ शामिल हो चुके थे। दिन और जल्दी से बीत रहे थे। 3 दिन निकल चुके थे। आखिर के सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे, जो कि आखिरी बलि देने के अंतिम चरण में थे। देखते ही देखते 3 दिन और निकल गए। कहीं कोई हलचल अभी तक नहीं हुई थी। अब ये 3 दिन निकलने के बाद आज की रात आखिरी रात थी उस निशी डाक के बलि के लिए, और आज की रात लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलकर आसपास गांव में लाठियां ज़मीन पर पटकते हुए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हुए पहरा दे रहे थे। इसी पहरेदारी में गांव में वो दोनों पति पत्नी भी शामिल थे, और यही सिलसिला चलते हुए लगभग आधी रात हो चुकी थी। रात के 1:30 बज चुके थे। तभी अचानक पति को ऐसा लगा जैसे उसकी बड़ी चाची उसके सामने खड़ी होकर उसे आवाज़ दे रही हैं, और वो उनको देखते ही उनकी आवाज़ तो उसके कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन वो चाची को देखकर उनसे बात करने के लिए उनके पास आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उनका उनके घर पर आना जाना सालों से नहीं हुआ है। वो आगे अपनी चाची के तरफ बढ़ता जा रहा था, और पत्नी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो जिस तरीके से टहलता हुआ आगे बढ़ रहा था, इस बात पर बाकी लोगों का भी ध्यान नहीं गया था। और थोड़ी देर के बाद जब पत्नी का ध्यान गया कि उसका पति वहाँ उसके आसपास नहीं है, तब उसने बाकी के लोगों को बताना शुरू किया। सारे लोगों ने तेज़ी से उसके पति की खोजबीन गांव और जंगल के हिस्सों में खुद को बांट कर करनी शुरू कर दी। आधे लोग जंगल में ढूंढ रहे थे, आधे लोग गांव के हिस्से में, लेकिन पति का दूर दूर तक पता नहीं चल रहा था। उसके माता पिता भी इस चीज़ से अब काफ़ी परेशान हो चुके थे। तभी अचानक उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति गांव के दूसरी तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि उसने कानों में कॉटन लगा रखा था, तो उसे अपनी पत्नी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो पागलों की तरह दौड़ती जा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका पति अब किसी के वशीकरण और सम्मोहन में फंस चुका था। आवाज़ नहीं, आप जिस प्रतिबिंब का भी पीछा करते हैं, उसकी आंखों में देखने के बाद आप उसके सम्मोहन में पड़ सकते हैं। ये बात अभी तक इन दोनों को नहीं पता थी, और वो अपने पति के पीछे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए भागती जा रही थी, जिसके वजह से कुछ लोगों का ध्यान उस तरफ गया और आधी भीड़ उधर की तरफ उनके मदद के लिए बढ़ने लगी। जब वो पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचे, तब उसने देखा उसका पति अपने
बड़े सबसे बड़े पापा के घर के बाहर खड़ा था। जैसे तैसे वो वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उसका पति घर के अंदर दाखिल हो चुका था। उसने तुरंत बाबा जी को भी याद करना शुरू कर दिया और बाबा जी भी कहीं ना कहीं शायद इसी रात की तैयारी में बैठे हुए थे। गांव वाले भी पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके थे। सारे लोग तेजी से घर के अंदर दाखिल हो गए। जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने का नज़ारा देखते ही सारे लोगों के होश उड़ चुके थे। वहां सामने इस परिवार की सबसे बड़ी बहू बैठी हुई काले जादू की ये निशी डाक की प्रक्रिया कर रही थी और सामने बिस्तर पर उनके पति लेटे हुए थे, जिनके शरीर पर ज़रूरत से ज़्यादा चोट लगी हुई थी। शायद उनका एक्सीडेंट ही हुआ था जिसके वजह से वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे और उनकी जान बचाने के लिए ही वो ये प्रक्रिया अभी तक करती चली आ रही थी। उन्होंने सारे गांव वालों की भीड़ जब वहां पर देखी, फिर भी उन्होंने इस प्रक्रिया को बीच में बिल्कुल नहीं रोका और गांव वालों को भी उनका ऐसा भयानक रूप देखकर आगे बढ़कर उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पत्नी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इतनी शक्तियां अर्जित कर रखी थी कि बिना जगह से हिले ही उन्होंने जैसे सबको वहां पर बांध कर रोक दिया था। थोड़ी देर तक ये चीज़ें चलती रहीं, तब तक वहां पर बाबा जी आ चुके थे और बाबा जी ने अपनी सारी शक्तियां लगाकर उनकी वो प्रक्रिया बीच में ही खंडित कर दी। अब उस लड़की का पति भी होश में आ चुका था। सम्मोहन से बाहर होते ही वो अपनी जगह से तुरंत हटकर अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। अब गांव वालों ने और बाबा जी ने सवाल करना शुरू कर दिया कि तुमने ये चीज़ें क्यों की और ये सारी चीज़ें करके तुम्हें क्या मिला। जब उन्होंने अपने बारे में सारी बातें बताना शुरू की, तब कहीं ना कहीं सारे लोगों को ये बातें सुनकर बुरी भी लग रही थी। उन्होंने बताया, एक तो बाबूजी ने हमारे घर का बंटवारा नहीं किया था। उस घर का बंटवारा हम नहीं करना चाहते थे। हमारे दोनों छोटे देवर, उनकी मर्जी थी, हमने घर का बंटवारा कर दिया। लेकिन उन्होंने घर के बंटवारे के साथ साथ दिल का बंटवारा भी कर दिया। उनके बच्चे हुए, हमारे नहीं हुए, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी। पहले तो वो हमसे मिलने भी आ जाया करते थे, लेकिन जब से उनके बच्चे हुए और हमारा आंगन सूना रह गया, हमसे मिलना जुलना, बात करना तक इन सब ने छोड़ दिया। हमें पूरी तरह से अकेला कर दिया। लेकिन हमारे लिए तो हमारे बच्चे यही थे, ये बात ये कभी समझ ही नहीं पाए। हमें इस तरीके से पराया और अकेला कर दिया कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, कैसे बीत रही है, किसी ने कभी भी ना देखने की कोशिश की, ना जानने की कोशिश की। इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इन सबको ये बात पता थी, लेकिन कोई भी एक बार भी ना इनसे मिलने आया, ना इन्हें देखने आया। हॉस्पिटल में टाइम पर इनका ऑपरेशन और सारी चीज़ें ना होने के वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई कि ये भी मुझे छोड़ के जाने के लिए तैयार थे। मेरी ज़िंदगी में वैसे भी इनके अलावा कोई बचा ही नहीं था, तो मैं इनको कैसे खुद से अलग होने देती। मैंने ये सारी चीज़ें बचपन से सीखी थी, मेरे पास सारी सिद्धियाँ थी। मैं चाहती तो बच्चे के लिए भी ये चीज़ें कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए इनका होना ही काफ़ी था। और आज जब ये मुझे छोड़कर जा रहे थे, तो मैं मजबूर थी ये चीज़ें करने के लिए। मैं इन्हें खुद से अलग कभी नहीं होने देती। ये बातें सुनने के बाद परिवार के सारे छोटे लोगों को अपनी गलती का एहसास अब हो चुका था। वो सब अपने बड़े भाई, अपने बड़े ताऊ के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन अब माफ़ी मांगने का वक्त शायद जा चुका था। उन सब के सामने ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया
और उनकी मृत्यु होते ही ये नजारा जैसे ही उनकी पत्नी ने देखा, थोड़ी देर में सामने उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब सबको अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। उस दिन के बाद से इस गांव के सारे लोगों ने एक दूसरे में और ज़्यादा मिलना जुलना, एक दूसरे के बारे में पूछना, जानना, ख्याल रखना सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। और इन दोनों भाइयों में जिनका बंटवारा हुआ था, इन्होंने आगे चलकर ये डिसाइड किया कि अगर हमारे बच्चे ये चाहते हैं कि हम एक साथ एक घर में रहें तो हम ये करेंगे। और बच्चों ने यही फैसला लिया। सारे लोग बाद में एक घर बनवा कर वहीं पर एक साथ रहने लगे। फिर गांव पर दोबारा ऐसी कभी कोई मुसीबत नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।